नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अफगानिस्तान में तालिबान का राज और बिगड़ते हालात के बीच दुनिया भर में तालिबान की चर्चा हो रही है। कई देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच अफगान के मसले पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चर्चा की। एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष हितों वाले देशों के विदेश मंत्रियों को फोन किया था। ब्रिटेन, रूस, चीन समेत भारत भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने अफगानिस्तान के विकास पर काफी खर्च किया है और कई परियोजनाओं को अभी पूरा करना बाकी है। इस बीच अब तालिबान ने भारत से अपील की है कि अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट को वो पूरा करे। एक अनुमान के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब की विकास परियोजनाओं पर निवेश किया है। पाकिस्तान के चैनल हम न्यूज से बातचीत में तालिबान के नेता ने अफगानिस्तान की धरती का दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल न करने का आश्वासन दिया और कहा कि भारत को अपनी परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा, किसी भी देश को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल दूसरे के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। भारत अफगानिस्तान में अपनी अधूरी पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजना को पूरा कर सकता है। पाकिस्तानी न्यूज एंकर ने तालिबान प्रवक्ता से सवाल किया है कि भारत ने अफगानिस्तान में काफी भारी भरकम निवेश किया लेकिन उसने तालिबान को कभी मान्यता नहीं दी, लेकिन हालात बदल गए हैं। इस पर सुहेल शाहीन ने कहा कि पहला, हम कह चुके हैं कि किसी देश किसी ग्रुप को हम अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ करने की इजाज़त नहीं देंगे, ये क्लियर है। दूसरा, अगर भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वो कंप्लीट नहीं है तो उसे पूरा करें क्योंकि वो आवाम के लिए है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि लेकिन कोई अफगानिस्तान की सरजमी का मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा या अपने मुल्क के मकसद के लिए अपनी अदावत के लिए इस्तेमाल करे तो हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।